गाइस, मैं आतिफ परवेज फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने लाइफ में काफ़ी बिजी चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं। आज मैं अपने घर से किसी बाहर जगह पे हूं। पहली बार आप लोग मेरे घर से काफ़ी दूर का प्लेस देखने वाले हैं। यूपी के गंगानगरी वाराणसी में मैं अभी मौजूद हूँ। फिलहाल मेरे पीछे आप एक बड़ा सा स्टेशन देख सकते हैं, ये वाराणसी जंक्शन है। बहुत ही महत्व है इसे यूपी और सारे इंडिया के लिए, इसका काफ़ी महत्व है। जैसे आप लोगों को मालूम ही होगा कि गंगा के किनारे ये बसा है, तो आस्था के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको टूरिस्ट बहुत मिल जाएंगे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वाराणसी गंगा के लिए काफ़ी फेमस है, और यहाँ काफ़ी संख्या में मंदिरें हैं, घाट है, तो इसलिए स्टेशन को भी हल्का फुल्का मंदिर का ही शक्ल दिया गया है। जैसे आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं, यहाँ के जो गुंबद टाइप की बनी है वो मंदिर के आकार की है, और यहाँ की जो कलाकृति है वो मंदिर जैसे ही बनाई गई है। बहुत भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है ये। यहाँ पे आपको पार्किंग की भी यहाँ पे सुविधा अच्छी खासी मिलेगी, और यहाँ पे एक इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, बहुत ऊंचे में लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल लहरा नहीं रहा, नहीं तो आपको अच्छे से दिखता। ये वाराणसी जंक्शन जो स्टेशन है, बहुत बिजी स्टेशन है। यहाँ पे आपको दिन भर लगभग हमेशा हर टाइम आपको तीन चार ट्रेन खड़े मिल ही जाएंगे। टोटल 9 प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और पूरे इंडिया को ये कनेक्ट करता है। हर जगह जाने के लिए आपको यहाँ से लगभग ट्रेन मिल ही जाएंगे। ये स्टेशन के बाहर का पार्किंग प्लेस है, काफ़ी अच्छा खासा पार्किंग प्लेस है। भीड़ भाड़ भी आप लोगों को अच्छी खासी दिख रही होगी। ये सामने एक ओवर ब्रिज है, और यहाँ पे काफ़ी जाम आप लोगों को दिख रहा होगा। इनमें मैं काफ़ी बिजी था और थक भी चुका था, इसलिए वीडियो बनाने का वक्त नहीं मिला, नहीं तो आपको यहाँ के गंगा के घाट ज़रूर दिखाता। अगली बार मैं कभी आऊँगा तो आपको ज़रूर यहाँ के गंगा के घाट दिखाऊँगा, ये शहर सिटी दिखाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं स्टेशन ही दिखा सकता हूँ, अंधेरा भी हो चुका है। फ़िलहाल मेरे 8:30 बजे की ट्रेन है, इससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि हल्का फुल्का कुछ खा लूँ, क्योंकि 2 बजे मैंने बिरयानी भर प्लेट खा लिया था, तो भूख तो उतनी लगी नहीं है, लेकिन रात का सफ़र है और रात में ट्रेन में कुछ मिलेगा नहीं, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि कुछ खा लेता हूँ। इसलिए देखता हूँ, यहाँ सामने स्टेशन के सामने काफ़ी स्ट्रीट फूड लगे हुए हैं, जैसे लिट्टी चोखा हुआ, छोला भटूरा हुआ, बहुत चीज़ आपको मिल जाएंगे। इसलिए हल्का फुल्का कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद इंटर में अंदर आपको स्टेशन के अंदर आपको दिखाता हूँ कि स्टेशन के अंदर का लुक कैसा है। बहुत से लोगों ने तो इस स्टेशन को देखा होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखे, मैं उनको आज स्टेशन के अंदर का व्यू दिखाने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। भाइयों, मैं लिट्टी खा के यहाँ से आ चुका हूँ, और सही बोलो तो ना ही खाता तो वही बेहतर रहता, बहुत ही ख़राब था, पैसे बर्बाद हो गए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो ना ही खाएं। यहाँ स्टेशन के सामने जो मिलते हैं लिट्टी, बहुत ही बकवास लगते हैं और ऐसे रहते हैं कि मत खाना यार, मत खाना। तो अब खा लिया, अब जो भी था पेट भर चुका है, अब मैं स्टेशन जा रहा हूँ, एंटर करता हूँ। एक दो घंटे अभी बाकी हैं ऐसे ट्रेन में, लेकिन फिर भी स्टेशन के अंदर थोड़ा घूमता हूँ, क्या करूँगा, इधर घूम फिर के अंदर चलता हूँ और आपको व्यू दिखाता हूँ। एक नंबर प्लेटफॉर्म से मैं ऊपर सीढ़ियों से चढ़ रहा हूँ। टोटल यहाँ पे 9 प्लेटफॉर्म है,
और मेरी ट्रेन आने वाली है 7 नंबर प्लेटफॉर्म से। ये अभी मैं ओवर ब्रिज में हूँ, रेलवे ओवर ब्रिज, बहुत लंबा चौड़ा स्टेशन है यहाँ का, आपको ऊपर से एक बार व्यू दिखा देता हूँ। ये जो सबसे उधर 1 नंबर प्लेटफॉर्म है उसके 2, 3, ये 4 है और इधर 5 है, ऐसे करते करते उधर 9 तक आपको दिखेंगे। ये लगेज के लिए है, ये आसान है, यहाँ पे लगेज के लिए भी अच्छे से बना हुआ है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने मंजिल पे पहुंच रहे हैं, कितना बिजी रहता है ये जगह। 7 नंबर प्लेटफॉर्म मेरा इधर ही रह गया, इधर ही है 7 नंबर प्लेटफॉर्म। हाँ, तो मैं अच्छे से बात करता हूँ, अब मैं बैठ चुका हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे आके, तो अब आप लोगों से अच्छे से कुछ बातें करनी थी। कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आज मैं सुबह सुबह ही यहाँ पे आया हुआ था, सुबह लगभग 8:30 बजे मैं यहाँ पे पहुँचा, तो वहाँ अपने घर से पलामू एक्सप्रेस मैंने पकड़ा और उसके बाद मैं डिहरी तक आया और डिहरी के बाद मैंने यहाँ से डिहरी से वाराणसी के लिए ट्रेन लिया। उस ट्रेन का नाम था बुध पूर्णिमा एक्सप्रेस, जो राजगीर से खुलती है और वाराणसी तक आती है, और वापसी के लिए भी मेरा वही ट्रेन है। बस पहले यहाँ 8:30 बजे से मैं पहले बुध पूर्णिमा एक्सप्रेस पकड़ूँगा जो मुझे डेहरी तक ले जाएगा, और मैं डेहरी से वहाँ से ट्रेन चेंज कर लूँगा। यहाँ से लगभग डेहरी में 11:30 बजे उतरूँगा और उसके बाद लगभग 1 बजे के लगभग मैं पलामू एक्सप्रेस है जो मैं डेहरी में लूँगा और सुबह सुबह मैं अपने घर तक पहुँच जाऊँगा। तो कुछ मेरा सफ़र ऐसा ही रहने वाला है। फिलहाल मैं अभी वाराणसी के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ और अपने ट्रेन के इंतज़ार में हूँ। ये प्लेटफॉर्म खाली ही है, कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए हैं। देखिए इधर फिलहाल ट्रेन, ये पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। अभी एक ट्रेन खुली हुई है, खुल के जा रही है यहाँ से, और ये ट्रेन बरका काना से वाराणसी पैसेंजर ट्रेन अभी जस्ट पहुँची है कुछ देर पहले। तो यहाँ ट्रेनों का आना जाना दिन भर लगा ही रहता है, एक आती है दूसरी जाती है, तो ये दिन भर का आम बात है। देखिए ये पूरा प्लेटफॉर्म लगभग खाली ही है, कुछ लोग इधर उधर बैठे हुए हैं क्योंकि इस रूट में ट्रेन कम है, तो जिधर मुझे जाना है ये इसी प्लेटफॉर्म में केवल ट्रेन आते हैं, तो इस रूट में ट्रेन कम है। तो फिलहाल मैं ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ और तब तक टाइम पास करता हूँ मोबाइल में इधर उधर कुछ करके, और जब ट्रेन आती है तो फिर मैं आप लोगों को ट्रेन दिखाता हूँ और आगे आपसे बात करता हूँ।